हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप लोग सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और 12 बज गया होगा ना? 12, हाँ 12 सुपर है ना। तो 12 बज गया है और अभी देखो आज मैं नहाई भी नहीं हूँ और मैंने आज रोटी डाल दी है बिना नहाए। कारण मैं बता देती हूँ, मेरा दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मतलब इतना हालत ख़राब है कि आपको मैं क्या बताऊँ। और अभी जैसे तैसे करके रोटी बनाया है, ऐसे काम तो किया ही है, झाड़ू भी किया है, वो भी काम किया है और रोटी बनाया है भी। तो आज मैं बिना नहाई खा रही हूँ और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कभी आदत ही नहीं है बिना नहाई रोटी खाने का, तो मैं आज खा रही हूँ और मेरे को अंदर से मन नहीं कर रहा है कि मैं जैसे बिना नहाए ही खाना खाऊँ। तो ठीक है, मैंने लगा लिया क्योंकि मेरे को लेकिन है टेबलेट, और किचन भी एकदम ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी अभी चिंटू से टेबलेट मंगवाया है पेंट का, देखिए दोनों टेबलेट दिखा गया नहीं, ये देखिए अभी टेबलेट मंगवाया है। और खाना खाने के बाद ये टेबलेट लेके थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, तब तो आराम आ जाएगा, फिर उठ के नहाऊंगी आज, जैसा हालत है। नहीं तो बिना नहाए मैं कभी नाश्ता नहीं करती हूँ। और इधर लगे हुए हैं बच्चे, सब अपना अपना काम में, उस इधर शर्मा जी टीवी देख रहे हैं, नाश्ता कर रहे। तो गाइस लगभग दिन का 1 बज गया है और मीना का हो रहा है दांत में पेन। खाना वाना खा के अभी थोड़ी लेटी है, तो उसको एक टेबलेट दे देते हैं। टेबलेट देने से थोड़ा उसको आराम मिल जाएगा। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? लो टेबलेट खाओ। दो टेबलेट लेने? दो नहीं, एक ही लेना है। वह दूसरी ना निकाल तो दो, पानी तो दो। एक अब लेंगे, एक शाम को लेंगे, एक रात को सोने के टाइम। ये टेबलेट दूसरी है, खाओ तो सही। खाली है, खाली ना, और इसमें मतलब मिल जाएगा तो ठीक है। अभी थोड़ा देर रेस्ट कर लो, आराम आ जाएगा, ठीक है। और फिर नहाऊंगी, देखिए अच्छा नहीं लग रहा, नहाई नहीं हूँ ना एकदम भी, इतना दर्द हो रहा है बार बार, बहुत ज़्यादा ही। और क्या हो रहा है पता है, एक बार क्या है ना, इतना भयंकर दर्द होते ना, फिर थोड़ा शांत हो जाता है, फिर इतना कस के दर्द होता है, तो इससे आराम मिलना चाहिए। देख ले, आराम मिलता ठीक है, डॉक्टर चेकअप कराते हैं फिर इसके। अभी तो ऐसे लग रहा है ना कि हर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी हालत थोड़ा सा छेड़ भी देगा ना इसको, वैसे ही तो अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। तो सोचती हूँ कि कोई अच्छा डॉक्टर को दिखाए तो अच्छा इलाज हो जाता कि इसका, ठीक है। अच्छा डॉक्टर से देखते रहा उधर में, देश में जाने के बाद ही करवाए, राजस्थान में। राजस्थान में सोचते इतना जल्दी जाना नहीं हो रहा है, तो या तो मई में जाएंगे तब करवाएंगे, देख लेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ, एक बार थोड़ी दवा वगैरह देख लो। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ये काट रही है, क्या था, जलपाई, और साथ में देख रही है कथा है। इधर मैं पहले तो ये बता देती हूँ, कथा देख रही थी, तो ये बम्बई में चल रही है, महाराष्ट्र में, बम्बई में, नागौर में। हाँ, तो बैठ के उसको मैं देख रही थी और बैठे बैठे ये भी काट रही थी जलपाई। तो क्या हुआ कि वो जो अचार डाला था ना, उसमें हल्का सा नमक लग रहा था, तो मैं तेरे पापा को बोली थोड़ा जलपाई लेके आ जाए ना, उसमें काट के और उसमें ये मिला देंगे। तो क्या हुआ, कल जब चख के देखा ना, तो एकदम वो अच्छा हो गया, उसमें नमक अभी उसमें नहीं लग रहा है। तो लेके भी आ गए तो सोचा कि क्यों खराब जाए, इसका भी अचार ही डाल देती हूँ, इसीलिए बैठे बैठे ये काट रही थी। और इसका अलग ही मतलब पता नहीं है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, अभी चली गई है जलपाई लग रहा है। हम लोग डाली उसी टाइम में, इसका टाइम था, तो ये अभी थोड़ा सा बैठ के मैं सोचती हूँ काट लेती हूँ, वैसे तो खाना का टाइम भी हो गया है, 6:30 बजे का, 6:30 बजे खाना का भी टाइम हो गया, खाना बनाऊँगी। और ये कथा भी अभी 7 बजे ख़त्म हो जाएगी, तब उठूँगी, तब तक ही हो भी जाएगा, मेरा कथा भी चल रहा है। अच्छा, तो गाइस ये है अचार का छोटा वाला डब्बा,
ये रहा, ये छोटा वाला डब्बा है और बड़ा वाला डब्बा वहीं पे है। बड़ा वाला डब्बा उधर ही है। अच्छा लेकिन अच्छा बना है ना। देखो तेल डालेगा तो ऊपर तेल तेल ही दिख रहा है। मैं माल तो नीचे खुशबू भी जबरदस्त है लेकिन हाँ उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अभी ये टाइट है थोड़ा थोड़ा, वही तो बोलो। अभी एक केजी और डाल देती हूँ और एक बबू भी है। अभी ये तैयार हो गया, लेकिन हो गया मस्त फिर तो और अच्छा। पहले इसी में मिलाने वाली थी, अभी इसको नहीं मिलाऊंगी इसी। ओके अब इसको वहीं रख के आ जाए, एक डब्बा वहीं पे रखा, वहीं रख दे। ओके थोड़ा धूप अंदर से ऐसे रहेगा। एक ऐसे में पकड़ लो, ये गिर जाएगा। अभी तो यहीं से पकड़ लिया मैंने। मेरा क्या, मैं भी तो खाऊंगा। ये रख दिया है, ये बड़ा डब्बा नीचे। तो भाई आज से ये देखिए चिंटू घर पे जिम बना लिया है। है भाई ये देखिए, अभी शाम का टाइम में ये बोलता है मम्मी हम अभी ऐसे ही करेंगे एक्सरसाइज वगैरह सब। तो ठीक है, वो आता है इसका सामान सब लो, लाया नहीं जाऊंगा ना। वो क्या बोलते हैं उसको, डंबल डंबल वगैरह वो सब लिया, उसी से कर है ना। और दौड़ के अगर सुबह उठ के सब करेंगे। तो अभी ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया, पहले करता था ये लेकिन फिर बीच में छोड़ दिया है और अभी फिर स्टार्ट कर रहा है। देखते हैं करो तुम, और इधर में अंशु लगा हुआ है। क्या कर रहे अंशु तू, बेडशीट वगैरह सब पूरा बेड का तुम लोग आज एकदम से ऐसा कर दिया है। कल से घर सफा रहेगा, कल से ये लोग का स्कूल होगा है, कल है ना, तो कल से स्कूल है तो तब तक ये लोग आज तो ऐसे ही रखेंगे। अभी 10 दिन अंशु का तो 20 दिन का था, तो तब तो इतना गंदा चिंटू भी था 10 दिन, इस चिंटू को 10 दिन का ही पड़ा, इसका 20 दिन का। तो जब बच्चे घर पे रहते हैं तो ऐसा ही रहता है, कोई बात नहीं है। और आज मैंने नहा के नाइटी ही पहन लिया, उपाय नहीं है। और ये देखिए मैंने पूरा कर दिया है, उधर मेरा टीवी चल ही रहा है अभी तक, उसको मूट कर देते हैं। और ये देखिए 1 kg पूरा ही, इसका भी अचार बना के रख देंगे। ये सब बैठ के 7 बज गया, मैं बोल रही थी 7 बजे तक कर लूँगी और 7 बजे तक ये हो भी गया है। और अभी जाऊँगी किचन में और अभी बनाती हूँ जाके खाना। तो भाई कल स्कूल है और देखिए अभी लगा हुआ है ये अपना कपड़ा निकालने, वो भी मैंने इतना है इतना हल्ला किया है। ये देख पेंट, ये किसका, इधर देख, अब मिली नहीं रहा। ये किसका पेंट है, पेंट था ना इधर, किसका, अंशु का था, चेक कर तो वहीं पे ही है। इतना हल्ला किया तब जाके अपना कपड़ा निकाल रहा है कि प्रेस करना है। ओके अभी आ गए हैं शर्मा जी। तो अभी शर्मा जी आ गए हैं। आ गए ना, ठंड नहीं था बाहर में, बाकी तो ठीक ही, ठीक था ना। अच्छा हमारे इधर में तो बहुत गर्मी था, इधर तो बहुत गर्मी है। अच्छा घर में ना, घर में बहुत गर्मी है भाई, घर में तो नहीं है, घर में ठंडा नहीं है, बाहर में थोड़ा है। मैं सबसे बड़ा चॉकलेट लेके आए हैं, बड़ा बड़ा देखते हैं तो धूप है। और अंशु मेरा बेटा इतना अच्छा है, अपना जूता उत्ता पॉलिश सब करके रख दिया है, अभी से सब रेडी कर दिया कि कल स्कूल है। और उसको ज़बरदस्ती मैंने कपड़ा भी निकलवाया कि ताकि मैं भी प्रेस कर सकूं। तो बच्चों में ये अंतर बहुत बड़ा है। हाँ। हैं, ये तो है। आप करते थे क्या प्रेस जब स्कूल जाते थे? मैं तो बिना प्रेस कभी गया नहीं। तो आज तक भी है ना, अगर कहीं कभी बाहर नहीं भी जाते हैं तो क्या होता है, चाहिए एक जोड़ी कपड़ा घर में पहन के सोना हो लेकिन जरूर प्रेस का ही पहन के सोते हैं। हैं, बिना प्रेस पहना ही नहीं। सही बोल रही हूँ ना मैं? तो इनको ये कि एक जोड़ी कपड़ा मेरे को मतलब मेल का करना है तो करना ही है, वो चीज घर में रह के करो। एक दिन नहीं पहनता एक कपड़ा, 2 से 3 दिन अभी पहनने लग गए हैं, लेकिन पहले नहीं पहनते थे। पहले नहीं पहनता था। हाँ एक ही जोड़ी अभी ना। और अभी पहले तुम करती नहीं थी, धोबी से हो गया था। अच्छा ठीक है, जब तुम करने लगी तो 3 दिन पहनता। और 3 दिन तो नहीं पहनते हैं, झूठ बोलते। तो भाई अभी धोबी वाला काम मैंने छोड़ दिया है, पहले धोबी के यहाँ जाता था तब मैं 1 दिन पहनता। धोकी तो देती थी ना मैं ही। हाँ लेकिन मशीन था और इधर आने के, उधर में पहले हम नागालैंड में था तो क्या होता था, धोबी हम लोग का घर के नीचे रहता था,
तो आता था सुबह कपड़ा लेके चला जाता था और शाम को देके जाता था, या फिर सुबह दूसरे दिन डेली का रूटीन था। और अभी इधर में भी लगाया, आने के बाद वो भी इधर भी लगाया। इधर क्या के बाद तो करना शुरू किया। हाँ, कोरोना के बाद मैंने स्टार्ट किया करना। उस टाइम में भी जब करती थी तो मतलब उसको देते थे धोबी को, लेके चला जाता था चार दिन पांच दिन छह दिन दस दिन तक कपड़ा ही नहीं लेके आता था। तब शर्मा जी को गुस्सा लगा, बोला छोड़ो इसको कर लेते हैं घर पे। फिर मैंने घर पे स्टार्ट तब से किया है, तब से कर ही रही हूँ ना। ये तो आदत नहीं था, कपड़ा कभी प्रेस नहीं किया था, धोबी लेके जाता था और लेके आता था। तो चलो ठीक है, अभी इनको खाना लगा देती हूँ। ठीक है भाई, बहुत मजाक का बात है लेकिन नहीं बताऊंगी। चलो ठीक है, कोई ना। तो भाई 11 बज गया है और अभी मेरे दांत में पेन है बहुत ज़्यादा ही, और अभी बैठी हूँ बच्चों के साथ। और तू तेरे पे ये सामान दे बेटा, सब बुक वुक सब रख दे बिठा के। तो अभी 11 बज गया है और कल स्कूल भी है और सुबह जल्दी भी उठना है, ठीक है ना। गर्म पानी करके अच्छा से नहाना भी अभी सुबह, ठीक है। सर्दी भी रहेगी लेकिन फिर भी नहा के जाना है। कल ये लोग का स्कूल खुल रहा है और ठीक है। अभी ब्लॉग करती हूँ अंडा, लेकिन आप लोग डेली ब्लॉग देखो, लाइक करो, कमेंट करो, नए बने तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं अच्छा अच्छा अभी लेके आऊँगी, बाहर भी जाऊँगी, बाहर का भी दिखाऊँगी, लेकिन आप लोग डेली देखो और कमेंट भी करो। जय सियाराम सीताराम।